हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेब चौपाल पर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील। और जैसा कि आप टाइटल से ही समझ गए हैं कि मोदी के खिलाफ जहर उगलना तो बहाना है, घर का चूल्हा भी तो जलाना है। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं उन चार किरदारों के बारे में जिन्होंने विगत कई सालों से, मतलब अभी के तो कुछ सालों से, मोदी जी के और भाजपा के खिलाफ केवल और केवल जहर उगला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रवीश कुमार, कुणाल कामरा, रहमान खान और ध्रुव राठी की। ये चारों अपने व्यवसाय को, अपने प्रोफेशन को, अपने पेशे को ताक पर रखकर केवल उन्होंने एक ही काम किया है, मोदी जी के खिलाफ जहर उगलना, भाजपा के खिलाफ जहर उगलना। तो अभी चुनाव में जनता ने उनको जो एक करारा तमाचा जड़ा है, उसके बाद इनकी क्या हालत होगी, ये सोच के ही उन पर मुझे बहुत ज्यादा तरस आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रवीश कुमार की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवीश और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। ऐसी लाइन आप हमेशा उनके एनडीटीवी के प्राइम टाइम में आप सुन सकते हैं। और रवीश कुमार ने एक शब्द इजाद किया, गोदी मीडिया। और इस शब्द के पीछे छुपकर उन्होंने केवल एक ही काम किया, भाजपा और मोदी को गाली बकना। और अपने कार्यक्रमों से केवल ये साबित करने की कोशिश की कि मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं है पांच साल में, भाजपा का शासन कुछ नहीं कर रहा पांच साल में और मोदी की लहर जीरो है। उनके कार्यक्रमों को आप देखोगे तो आप पाओगे कि भारत 2014 के पहले सोने की चिड़िया रहा है और जैसे ही 2014 आया है लोकतंत्र के सारे तंत्र नष्ट हो चुके हैं, गरीबी चरम पर है, सब कुछ नाश विनाश की ओर जा रहा है और दुनिया खत्म होने वाली है। और 23 मई को जब मैंने उनकी शक्ल देखी तो मुझे इतना सुकून महसूस हुआ ना, मुझे ऐसा लगा कि इसको जो तमाचा पड़ा है उसकी गूंज सुनाई पड़ रही है, चारों धामों में सुनाई पड़ रही है। तो रवीश कुमार को मेरी एक सलाह है कि भैया पत्रकारिता है, टीआरपी देख लो, जिसको तुम गोदी मीडिया बोलते हो वो तो पक्ष उजला पक्ष और काला पक्ष दोनों दिखाता है, सरकार का आलोचना भी करता है, तीखे सवाल करता है, लेकिन तुम क्या करते हो, पप्पू मूत्र के नशे में इतने तुम वो हो चुके हो मदमस्त कि तुम्हें केवल और केवल मोदी की बुराई करना है और उसका नतीजा भुगतता है तुम्हारे चैनल के कर्मचारियों की छटनी जो होती है ना, वो बेचारे बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो प्लीज सबसे पहले अपने चैनल के जो सहकर्मी है उनके पेट पे लात मत पड़वाओ, क्योंकि टीआरपी पाताल से भी ज्यादा नीचे होते जा रही है, जनता सब समझती है यार। और जो तुम्हारे फैंस है ना, जो फेसबुक में और जो यूट्यूब में या तुम्हारे चैनल को देखकर तुमको जो रिएक्शन देते हैं, उनकी इतनी भी औकात नहीं है कि उनके कहने पर उनके घर वाले वोट डाल दें। और नतीजा सामने है, एक धर्म विशेष के कुछ लोग और एक जाति विशेष के कुछ लोग जो अभी तक अपने नीचे जाति होने से उबर नहीं पाए हैं और वो अपने पूर्वजों का सारा बदला इस जन्म में लेना चाहते हैं। तो भैया ऐसे नहीं होता है, जहर से केवल जहर मिलता है। और पत्रकारिता धर्म की लाज रखो, या तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, मुझे पता है तुम पार्षद क्या पंच तक का चुनाव नहीं जीत पाओगे। तो इसलिए मोदी और भाजपा जिनकी 17 स्टेट्स में राज्यों में शासन है और मोदी 3 बार सीएम रहा है और अभी दूसरी बार पीएम बन रहा है, तो जनता की नब्ज पहचानो, पत्रकारिता का चीण हरण मत करो भाई, समझ गए ना। तुम्हारे लिए यही एडवाइस है कि घर का चूल्हा चौका अपने पत्रकारिता के पेशे से गर्म करो, ना कि मोदी जी को गाली बककर, ठीक है। और भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। इसके बाद बात करते हैं कुणाल कामरा। कुणाल कामरा अपने आप को एक कॉमेडियन बताते हैं, अगर आप YouTube या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म में उनके कॉमेडी के वीडियोस देखेंगे तो जो उनकी नॉर्मल कॉमेडी है उस पर बहुत कम व्यूज मिलते हैं, पर जिस वीडियो में ये मोदी जी और भाजपा के खिलाफ जहर उगलते हैं, साथ ही साथ हिंदू धर्म पे भी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उन पर इनको वाहवाही मिलती है। जो अपने धर्म का सगा नहीं है वो किसी और का क्या सगा होगा यार। और कुणाल तू मेरी बात सुन, सबसे पहले तू नहा के आया कर, समझ गया ना, हफ्ते में कम से कम एक बार तो नहा लिया कर यार, ऐसा लगता है कि नहाने और पानी से तेरी कोई एलर्जी है और उसका असर तेरे दिमाग में भी हो रहा है, ठीक है ना। म्युनिसिपैलिटी में का काम, इसके एक जोक में मैंने देखा था कि इसके घर का कचरा और गंदगी पड़ी है कुछ गोबर टाइप का, उसके लिए भी ये मोदी जी का रास्ता देख रहा है भाई। म्युनिसिपैलिटी और सेंट्रल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनका अलग अलग काम रहता है, पहले ये फर्क करना ढूंढ, उसके बाद ये सूडो इंटेलेक्चुअल बन तू भाई, सूडो इंटेलेक्चुअल तू भाई मतलब इंटेलेक्चुअल बन तू, समझ गया ना। लिबरल कहलाना पसंद करता है, लिबरल के मायने पता है तेरे को, केवल मोदी जी को गाली बक के या भाजपा को गाली बक के या अपने ही धर्म के खिलाफ गाली बक के कोई लिबरल नहीं होता, समझ गया ना। ग्रो अप बेटा, कॉमेडी कर, कॉमेडी वैसे तो तेरे से अच्छी कॉमेडी को पप्पू कर लेता है मंच पे, उसी से कुछ सीख ले, कॉमेडी है तो कॉमेडी पे फोकस कर, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। इंदौर की घटना याद है ना तेरे को, तूने हिंदू धर्म में हनुमान जी के बारे में कोई टिप्पणी की थी तो वहां की जनता ने क्या मां बहन की थी तेरी, ये ना हो कि केजरीवाल की जगह तो तू चौकटे चौकटे पिटे, समझ गया ना। एक हद तक लोग सहन करते हैं, इसलिए अपना ख्याल रख और ग्लूकोज पी हो तू, है ना, तेरे पी तू मेरे को कुपोषित टाइप का भी लगता है,
तो दिमाग से तो कुपोषित है, शरीर सुधार ले थोड़ा और थोड़ा अपने कॉमेडी में दम ला, ठीक है। जहर का जहर से जो चूल्हा जल रहा है ना, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा नहीं तो ऐसे। इसके बाद हम बात करेंगे रहमान खान। रहमान खान, आई एम खान एंड आई एम नॉट एन टेररिस्ट। रहमान खान को हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई इसको मारने ना दे, हमेशा जय महाराष्ट्र, जय मनसे, जय शिवसेना, जय भाजपा, दिल पे पत्थर लगकर जरूर बोलता है, लेकिन इसके जोक्स जो मोदी जी के खिलाफ रहते हैं उसके खिलाफ कव्वाली कर देते हैं, भाजपा के खिलाफ कव्वाली जोक्स में इनको बड़ा मजा आता है। और हमेशा डरते हैं कि अरे मुझे यहां रहना है, भाई तू मुसलमान है, यहाँ 20 करोड़ मुसलमान शांति के साथ रह रहे हैं, तू तेरे को डर भी लगता है, शेर भी देखना है, भाई ऐसी हरकत ही मत करना कि पता चला कि कल के दिन तू किसी से उधार ही लिया, उसकी वजह से तू पिट गया और तू नाम दे भाजपा, शिवसेना, मन से। भाई ऐसा नहीं होता है, अपने कंटेंट में दम ला, ठीक है। एक तरफा कॉमेडी, कॉमेडी में दम नहीं है तो मोदी का जहर का, मोदी के खिलाफ जहर का सहारा मत ले, ऐसा टैलेंट ज्यादा दिन तक चलता नहीं है क्योंकि, ठीक है ना, वैसे भी तेरे कई जोक्स डबल मीनिंग वाले रहते हैं, तो वही करके कमा। लेकिन मोदी जी को गाली बका, अभी जनता ने तो ऐसे ही अपरोक्ष रूप से करारा तमाचा जड़ा ही है, ऐसा ना हो कि हर कहीं तेरा लतभंजन होने लगे। इसलिए रहमान भाई मेरी एडवाइस मान, कला पे ध्यान दे, अगर कुछ है तो वो कर, नहीं तो दूसरा पैसा ज्वाइन कर। के बाद हम बात करेंगे ध्रुव राठी। अन्ना आंदोलन के बाद से यूट्यूब में ज्यादा सक्रिय होने वाले ध्रुव राठी, कहने को तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टाइप का कुछ किया है लेकिन दिमाग में केवल और केवल भूसा है। केवल एक मूल मंत्र, भाजपा मोदी इनको गाली बकना। पूरे वीडियो उठा के देख लो आप, भाजपा की आईटी से लिए करती है, भाजपा ये प्रोपेगंडा कर रही है। अरे भैया 17 राज्यों में जिनकी शासन हो और दूसरी बार जो रिपीट हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ करते ही होंगे, लेकिन तू तो कुछ सकारात्मक पॉजिटिव कर ले। हाँ, तूने और कुणाल कामरा ने 23 मई को यूट्यूब में एक लाइव किया था ये सोच के कि भाजपा हार रही है, कितने खुश थे तुम लोग सुबह, लेकिन दोपहर होते होते तक तुम लोग के चेहरे बुझ गए जैसे कोई सगे वाला मर गया हो। भाई किसी की बुराई करना अच्छाई करना दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, बैलेंस रख। सरकार के खिलाफ अच्छी बातें भी होती हैं, नकारात्मक बातें भी होती हैं, लेकिन तू नकारात्मक बातें करके ही क्यों अपने एक एजेंडा चला रहा है? हाँ, उससे क्या तेरी रोटी चल रही है, कितने दिन तक चलेगी रोटी? हाँ, नकारात्मक चीज कभी अच्छी नहीं होती है। पॉजिटिव, एक पढ़े लिखे आदमी हो, और इंडिया भी एक बहुत पढ़ा लिखा देश है और जनादेश किस ओर गया है उससे तू समझ जा कि जनता किसके साथ है, ठीक है। मोदी जी ने इतने साल की तपस्या में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है और भाजपा इतने सालों की पार्टी है जो अपने सिद्धांतों में चल के किस मुकाम तक पहुंची है, लेकिन केवल उनकी खिलाफ नफरत की आंच पे तुम अपने घर की रोटी का सांच करोगे तो कैसे काम चलेगा? सुधर जाओ अभी तुम लोग। इसके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा, इसके अलावा जावेद अख्तर, योगेंद्र यादव, बरखा दत्त, रेवती लाल, ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को लिबरल कहलाना पसंद करते हैं और केवल एक ही काम करते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, सपने भी इनको मोदी जी आते हैं, केवल उनके खिलाफ जहर उगलना। इन सबसे मेरा निवेदन है मेरे भाई, बाहर निकलकर देखो, दुनिया बहुत हसीन है, एक अपनी मानसिक अवस्था से बाहर आओ, एक बीमारी है आप लोग को मोदी से नफरत की, उससे बाहर आओ और अपना अपना जो काम है उसको देखो, ठीक है, क्योंकि मोदी के खिलाफ जहर उगलकर कब तक अपना चूल्हा सेकोगे? ये देश बहुत समझदार है और अभी के चुनाव ने बहुत करारा तमाचा मारा है, तो इन सब चीजों से सबक लो। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक्स और अपने कमेंट के माध्यम से इसका फीडबैक दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर किसी रिव्यू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।